हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, 13 Mark 1A की डिलीवरी मार्च से स्टार्ट होनी थी, जिसको पुश करके पहले अगस्त के अराउंड बताया गया, फिर सितंबर का पहला वीक बताया गया, और अब द प्रिंट द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये अक्टूबर एंड तक ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो पाएगा। तो कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि HAL ने सब कुछ कर लिया है, बस कुछ हफ्तों में ही ये एयरक्राफ्ट डिलीवर करने वाले हैं, सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि अब जाकर यहाँ पर जो मेन इशू है वो सॉर्ट आउट हुआ है, और ये इशू सॉफ्टवेयर को लेकर बताया जा रहा है किसी इजरायली सिस्टम के। तो टारमाक मीडिया हाउस के जो एडिटर इन चीफ हैं, जो कि अनंत कृष्णन सर हैं, उनके द्वारा करीबन एक महीने पहले ये बताया गया था कि जो 13 Mark 1A का रेडार है, जो कि इजरायली है शुरुआती बैच में, वो इशू कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये जो सॉफ्टवेयर इशू है ये रडार के साथ हो सकता है, जिसको फिलहाल सॉर्ट आउट कर लिया गया है, जैसा कि द प्रिंट की रिपोर्ट में मेंशनड है। तो यहाँ पर सब चीज़ स्पेकुलेशन में इसलिए है क्योंकि ऑफिशियली आपको कोई चीज़ नहीं बताई जाएंगी। जो मीडिया हाउसेस टाइमलाइंस को और इश्यूज को कोट कर भी रहे हैं, वो अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू यहाँ पर अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो कि बिना अपनी आइडेंटिटी बताए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जो मीडिया हाउसेस इन इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। टारमाक मीडिया हाउस की बात करें तो पास्ट में ये 13 की न्यूज़ को लेकर सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स रहे हैं, वहीं पर द प्रिंट भी काफ़ी रिलायबल सोर्स माना जाता है, तो इस इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सकता है। बाकी इन चीज़ों को मानने के पीछे रीज़न ये भी है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कहा जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को मिलना चालू हो जाएंगे, जो कि अभी नहीं मिले हैं, यानी कि कोई इशू एग्जिस्ट करता है। बाकी बात करें इंजन इशू की, तो जो शुरुआती एयरक्राफ्ट हैं इनमें कैटेगरी बी इंजन लगेंगे, यानी कि जो इंजन पुराने हैं या फिर रिजर्व में रखे हुए थे, उन इंजन्स को यूज़ किया जाएगा। इवन जो पहला प्रोटोटाइप है वो भी कैटेगरी बी इंजन के साथ ही फ्लाई किया था। जो नए इंजन्स हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा नवंबर से डिलीवर होना चालू होंगे, जैसा कि लेटेस्ट रिपोर्ट द प्रिंट द्वारा ही पब्लिश करी गई थी। तो ये इंजन्स 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से, यानी कि करीबन 24 इंजन पर ईयर के हिसाब से HAL को मिलेंगे। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अक्टूबर के एंड तक एयरफोर्स को डिलीवर होगा, तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि शुरुआती एयरक्राफ्ट कैटेगरी बी इंजन के साथ मिलेंगे, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक के जो इंजन से ये नवंबर से ही मिल पाएंगे, और एक बार इंजन आ भी जाए तो भी इंटीग्रेशन में समय लगता है, तुरंत एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर जो लॉजिकल पॉइंट उठता है वो ये उठता है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट मार्च से डिलीवर करने थे और अगर आप अक्टूबर एंड तक ही डिलीवर कर पा रहे हैं, तो बेटर ये है कि इन एयरक्राफ्ट को और डिले किया जाए और ब्रांड न्यू इंजन के साथ ही इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया जाए, ना कि कैटेगरी बी इंजन के साथ, क्योंकि नवंबर से ये इंजन डिलीवर होना चालू हो ही रहे हैं। आप 15-20 दिन पहले इन एयरक्राफ्ट को डिलीवर करके कोई फेस सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अच्छी खासी डिले हो ही गई है और इंजन साफ को नवंबर में मिल ही रहे हैं, तो बेटर ये हो कि सीधे आप ये एयरक्राफ्ट जनवरी में नए इंजन के साथ डिलीवर करें, और जब तक थोड़े बहुत जो टीथिंग इशू अगर बचे भी हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए। बाकी ये आर्ग्यूमेंट भी उठता है कि IAF ने लास्ट मिनट चेंजेस की मांग करी थी, जिसकी वजह से 13 Mark 1A की डिलीवरी में डिले हुई है। तो कहीं भी ये क्लियरली नहीं बताया जाता कि ये लास्ट मिनट चेंजेस क्या थे जिनकी वजह से यहाँ पर डिले हुई है। कई जगह ये कहा जाता है कि SDR का जो इंटीग्रेशन है ये शुरुआत से इन प्लेटफॉर्म में होगा, जो कि ओरिजिनल डील का पार्ट नहीं था। तो ये चीज़ मैं आपको बता दें कि जो SDR का इंटीग्रेशन है ये कोई लास्ट मिनट चेंजेस का पार्ट नहीं है, इसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले से ही किया जा रहा था, जिसको लेकर SDI द्वारा ये SDR 13 में इंटीग्रेट करे जा रहे थे। इवन जो Mark 1 वर्जन इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है, उनमें भी ये करने का प्रयास पहले से ही किया जा रहा था। और इसी को लेकर कुछ ही दिनों पहले ये अपडेट आया था कि LCA-13 ने अस्त्र मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसको दूसरे 13 के साथ गाइड किया गया है, और ये SDR इंटीग्रेशन करते समय ही SDI द्वारा सिमुलेट किया गया था। खैर, यहाँ पर कोई भी रीज़न हो, इंजन डिले एक इशू हो सकता है, जिसके लिए जो टेम्प्ररी सॉल्यूशन है ये कैटेगरी बी के इंजन्स थे। पर रियलिटी यहाँ पर ये है कि ये एयरक्राफ्ट 2024 के फर्स्ट हाफ में डिलीवर होना चालू होने वाले थे, जो कि अब बढ़कर लास्ट हाफ हो गया है। इंजन डिले को लेकर HAL को ब्लेम नहीं किया जा सकता, तो वो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से जो डिलीवर करने वाले थे शुरुआत में, वो नहीं कर पाएंगे, वहाँ कोई भी इशू नहीं था। HAL को ब्लेम खाली इसलिए किया जा रहा है कि जो शुरुआती 13 Mark 1A हैं, जिनमें कैटेगरी बी इंजन लगे हैं, वो भी HAL ने समय पर डिलीवर नहीं किए, और इंडियन एयरफोर्स इसी वजह से HAL से खुश नहीं थी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।